श्री महिला संगठन दिल्ली से हूँ। हम हैदरगढ़ से आए। सुनीना, अब सुनीना भैया, सुनीना, अरे दादी का नाम है सुनीना, हुआ भैया हुआ, दादी का नाम है सुनीना है। दादी हमका लगा तुम सुनत नहीं हो, कहीं नहीं भैया नहीं, हम तो सुनी थे, हमारा नाम है सुनीना है, वाह भैया वाह, गजब का नाम है दादी, पाँव लगे, आशीर्वाद दो हमका। इधर देखो चाची मौसी भी रहें, चचा भी आए हैं, और देखती हो दिल्ली से सेवा करे खातिर दीदी लोग भी आई हैं। मामला बाराबंकी जिले के जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री राम वन कुटीर आश्रम हरियाकोल का है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भैया जाति धर्म कुछ नहीं पूछा जाता, केवल मानवता का बोलबाला है। यहाँ पर हर कोई नर सेवा और नारायण सेवा को ध्यान में रखकर अपना अपना काम करता है। 5,000 लोगों ने भैया आंखों के ऑपरेशन के लिए पंजीकरण कराया है, और हर दो यहाँ पर कम से कम हम बताई 300-400 लोग आते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए। लोगों की संख्या तो आप देख सकत हो, बाकी भैया आपका सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन कराई थे, देखती हो रोगहरण बजरंगबली का मंदिर है, सबका रोग और संकट हर लेते हैं। यह रोगहरण हनुमान श्री राम वन कुटीर आश्रम हरियाकोल, जय हो बजरंगबली। अब बजरंगबली तो सबका रोग भी हर लेते हैं, संकट हर लेते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं, बोलो जय बजरंगबली की। वैसे आपका बता दी कि इस दरमियान भैया हमका देखा थे दिल्ली से दीदी लोग आई थी, इनका बकदा संगठन चलता है महेश्वरी महिला संगठन की, ये बकदा सदस्य हैं राजश्री जी, इनसे बकदा बातचीत होती है, ये जानकारी देते हैं कि देखो भाई पहले से बहुत बदलाव देखने को मिला है, और हम तो 18 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। तनिक सुनो, देखिए आप लोग श्री राम वन कुटीर आश्रम में सेवा के लिए आ रही हैं बहुत सालों से, तो मैडम आपका क्या नाम है? मैं महेश्वरी महिला संगठन दिल्ली से हूँ, और मेरा नाम राजश्री मोहता। तो ये कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? मुझे आते आते 17-18 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, अच्छा। पर अभी पिछले 3 साल नहीं आ पाए, कोविड का बात है। हाँ, कोविड की वजह से। जी जी। और तो ये कैसा लगता है यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है, और हमने तो बहुत उस समय से देखा है जब इतनी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पर जी। और हमने घंटों घंटों ओटी में भी काम किया है डॉक्टर साहब की पूरी टीम के साथ, असिस्टेंट। तो आप लोगों का क्या काम रहता है, जो मरीज होते हैं उनकी सेवा करना ही? हाँ, उनकी आंखों में बेटाडीन डालना, पट्टी करना और लेंस खोलना, ये सारे जो भी ओटी के काम होते हैं। आपके क्या नाम है? सुनीता सुडानी, दिल्ली से हूँ मैं। आपके क्या नाम है? शुभ्रा महेश्वरी, दिल्ली से आई। आपका क्या नाम है? विनीता बियानी, दिल्ली। अच्छा, अच्छा। आप बाराबंकी से? बाराबंकी से, मंजू गुप्ता। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका संगठन और से कौन कोई काम करता है? हाँ, बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल काम भी करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करता है, और यहाँ हम इसके अलावा भोजन बांटने का, चाय दूध बांटने का ये भी करते हैं। जी जी। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को टाइम नहीं है, तो आप लोग इतना टाइम निकाल के 8-10 दिन के लिए आते हैं। तो पूरे वर्ष भर में प्रतीक्षा करते हैं इस कार्यक्रम की, बीच में आके जो मन में खुशी मिलती है वो और कहीं भी ऐसी नहीं है। अब दिल्ली से आई दीदी की बात सुनेगी नहीं सुने आपने भैया, कई लोग आते हैं यहाँ पर, बढ़िया सेवा करते हैं, और इस समय की प्रतीक्षा भी लोग बहुत करते हैं। वाह भैया वाह, देखाती हो दिल्ली यहाँ से कम 400-500 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ पर आकर के लोगों की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। अब आपका मिला था सतरी के एक चच्चा समीम नाम है इनका, जी बताओ कि देखो मैं पहले ऑपरेशन करा रहा, फिर ऑपरेशन करा रहे हैं दूसरे के, भैया आप ठीक हो जी? मारा तक सुनो, आपका कहाँ रहने वाले हैं? सतरी के। अच्छा, पहले करवाए थे ऑपरेशन? जी हाँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया रहा? हाँ बढ़िया है। अच्छा, क्या ज्यादा धुमला रहा है, हल्की रहा है, तो इसका नुकसान ही है, तो हम कराए नहीं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम दादा? राज बहादुर। कहाँ रहने वाले हो? सतरी। अच्छा, पहली बार आए हो? हाँ। अब आगे देखो भैया को मिल गई क्या, देखो ये दादा तो लाठी लेके आता नहीं तो कुछ बोलते नहीं रहे, ये बोलती है दादी दी नान भैया आ गया, बोलती है कमला देवी नाम भैया हमारा, कमला देवी हमारा नाम कमला देवी है भैया, वो भैया तरी सर बड़ा मजेदार बोलती रहे। हमारा नाम कमला देवी। अच्छा, कहाँ से आयो? अच्छा अच्छा, अब मिल गए भैया हैदरगढ़ की रामपति, देखते हो भीड़ तो अच्छी खासी दिखाई देता रहा है। इस दरमियान भैया रामपति कहती कि देखो पर साल भैया हमारे तो यह वाली आँख खुला रहन, अब किल बरिया वाली खुले, बात नहीं सुनो। हम हैदरगढ़ से आए। क्या नाम है आपका? रामपति। गांव का नाम क्या है? पूरे मितईपुरवा हैदरगढ़। अच्छा, तो यहाँ कैसे पता चला कि वहाँ शिविर लगा है? 5 साल आए थे यहाँ। तो खुलाए रहो का? हाँ, चाहिए खुलाए रहो। हाँ, तो बढ़िया रही है? बढ़िया रही। अच्छा। हाँ। तो अब फिर आगे आपके नहीं? हाँ। तुम्हारा क्या नाम दादी? तुम्हारा सुनीना है? अब यह दादी का नाम है सुनेना भैया, सुनत नहीं है जल्दी, दादी दादी का लगे स्वाग है, इनका नाती लेकर क्या हुआ है? अरे चलो नानी तुमका दिखा ले, देखो इनका नाती लेकर क्या ना दिखावे का, तनिक सुनो का कहती रहे सुनेना। 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 हाँ। कहाँ रह वाली हो? हमार तो घर आ ही गुंजौली।
और हम आए गड़िया से नहीं नाती लेके आवा। अच्छा बिटिया है। अच्छा। तो हम कोई घर पर कोई नहीं दू जने हन तो नाती लेके आवा है। अच्छा तो पहले आए रहो कब? नहीं पहले नहीं पहले 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 को बतावा यहाँ बढ़िया भैया जानने दिया है। अच्छा सब जैसे कोई खुला लेगा यहाँ आवा तो बतावला कि हुआ बढ़िया खोल लगे। अच्छा तो कौन तहसील लगा तुम्हारे? सब कोई जाए कौन तहसील लगा तुम्हारे? हमार दरहरा। अच्छा तुम्हारे का नाम दादी? जगरूपा। जगरूपा जगरूपा कहाँ रहने वाली हो? सरैया सतरही हैदरगढ़। अच्छा तो कैसे यहाँ पहुँचो? इनके साथ ना है। अच्छा इनके साथ है ना? तुम हो पहले कराए हो कि नहीं? वही पहली बार आए हो। अच्छा आपका क्या नाम है? हमारा रामरती नाम साहेब। रामरती कहाँ रहने वाली दादी? हम हो हैदरगढ़ के रहने वाले। कौन गांव? पूरे मितई पुरवा। अच्छा तो पहले कराए हो को बात? हम पाठशाल आए रहे यहाँ सब तो हमरे हो गए रहा अंधेगी तारीख वही दिन नहीं रही तो बहुत अंधेगी हो गए रहा तो रोज कर नहीं फिर लौट गए फिर नहीं अन आसो आए। अरे वाह भाई। चलो आप कहाँ रहने वाली हो? भैया धमकलपुर के। धमकलपुर कहाँ लगा है? सैनीपुर। अच्छा तो तुम पहली बार करावा है? का नाम है? तारावती। तारावती तुम्हारा का नाम है? रूपरानी। अच्छा कहाँ रहने वाली हो? हर्राई। हर्राई इधर देमा वाला। हाँ हाँ। अच्छा तो पहली आख है कि? नहीं ये द्वासा रहा है। पहले कब कराए रहो? तीन साल हो गए। अच्छा तो बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। अब खाली बाराबंकी से लोग नहीं आवत है भैया, बाराबंकी से दूसर आसपास के जो जनपद है वहाँ से लोग आवत हैं। सीतापुर से लखीमपुर खीरी से दूर दूर से सब जन यहाँ पर आती हैं। चाची मौसी दादी लोग आंखन का ऑपरेशन करावे खातिर हम कहना तनिक आपका बता दी। बाकी इन सबकी बातें आपको कैसे लगी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर डालो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शाम साहजी खबर सफर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो। बाकी ठंड का मौसम है गला हमारा बैठ गया तब भी हमने खबर लगाई तो कमेंट करो यार वीडियो कैसे लगी, शेयर कर दिन करो आसपास के लोगों का भैया कर दो शेयर कर दो।